कल तक वो मुसलमानों पर जिस तरह डंडे बरसाते रहे, इन्हें मसाजिद से धक्के देकर डंडों से मारते हुए बाहर निकालते रहे और मोदी सरकार के कहने पर मसाजिद पर ताले लगाए जाते रहे, अजान पर पाबंदी लगाते रहे, वो सब कितना गलत था। वही लोग आज मुसलमानों से माफ़ी मांगते और इन्हें खुद नमाज का कहते दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हुई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि इंडिया के झंडे पर नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लिखा जा चुका है। और इंडिया के एक शहर हैदराबाद दक्कन में झंडे पर कलमा तैयबा साफ देखा जा सकता है। चंद दिन पहले पुलिस ऑफिसर मुसलमानों से दुआओं की अपील करता देखा गया, जिसमें वो मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद देने के बाद नमाज का और तरावी का हवाला देकर दुआओं की अपील करता दिखाई दिया। ये कोरोना से दरपेश मुश्किलात के लिए आप यानी मुसलमान अपने अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आप लोगों की दुआ रायगा नहीं जाने देगा। जो नमाज अदा करते हैं, अल्लाह ताला से गुजारिश कीजिए कि ये जो कोरोना गए साल से हमारे लोगों को लेके जा रहा है, तकलीफों में डाल रहा है, वो दूर करे। और मुझे यकीन है, मैंने सुना है तरावी की नमाज लेती है बहुत जल्दी सुनी जाती है, तो तहे दिल से आप नमाज में यही मांगना कि ये कोरोना हमारे शहर से हमारे देश से चले जाए।